गाइस अनलॉक करते ही पूरी लाइट ऑन हो जाती है। तो कुछ इसका है ऐसा इंटीरियर, अपन टच क्लिक करेंगे अपन तो ये बंद हो जाएगी, आप देख सकते हो सीधा। ये टू डोर है बट फोर सीटर है, ये देखो पीछे की फोर टू सीट पीछे है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं आया हूँ BMW के शोरूम में और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ BMW M850i का, जो कि ये रही एक रेड कलर की है। फुल रिव्यू देने वाला हूँ और मुझे कमेंट में बता देना आपको कौन सी कार का रिव्यू चाहिए, तो वही कार का लेके आऊँगा। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो में आएगा बहुत मज़ा। तो फिर स्टार्ट करते, तो गाइस शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आप लोगों को मिल जाती ग्रिल ब्लैक कलर की, और फ्रंट में आप लोगों को मिल जाता कैमरा, और कार्बन फाइबर का ये काम हुआ है इसमें, और मेन है इसकी DRL, जो कि है DRL, और डुअल प्रोजेक्टर लैंप मिल जाते हैं आप लोगों को। और एक बार इसकी साइड प्रोफाइल दिखा देते हैं, तो कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल इसकी, और 20 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आप लोगों को। और बैक की तरफ देखते हैं, तो कुछ ऐसी इसकी बैक लाइट और बैजिंग है M850i की, और इस पर स्पॉइलर भी लगा हुआ है जो कि कार्बन फाइबर का है, और डुअल एग्जॉस्ट की वो मिलती है। अब चलते हैं सीधा इंटीरियर में। तो गाइस ओह माय गॉड, गाइस इंटीरियर ऐसा है कि एकदम मस्त वाला। तो गाइस ये है इसके क्रूज कंट्रोल, एंड ये वॉल्यूम बटन एंड रिवर्स। गाइस मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, और ये कॉल का माइक का, एंड इसमें बड़ी LED मिल जाती है ये, जिसमें सारा सिस्टम इसी में ही है। और कुछ इसका ये सिस्टम है, ये AC के वेंट्स है, चार दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, और ये वॉल्यूम है अप डाउन का, और ये चैनल के जो आते हैं FM का, और मेन है ये स्टार्ट स्टॉप का बटन, और ये मोड्स है सब, और मेन मोड ये है जो कि उस पर पार्किंग में बैक में मेन पार्किंग का ये इधर है, और बाकी के सब जो नॉर्मल कार में होते हैं वो ये। और अब बात करते हैं साइड विंडो की, तो इसमें मिल जाते हैं आपको ट्विटर, जो कि आप देख सकते हैं ये ट्विटर है, ये अनलॉक का है, ये लॉक अनलॉक, और ये फर्स्ट टू स्टार्ट का इसका पता नहीं। और इसमें एक अच्छी सी एक लाइट मिलती है, और ये बैक उसका है डिग्गी का बटन, जो कि आप देख सकते हो। और एक आप लोगों को मिल जाता है रेस एंड एक ब्रेक बस, क्योंकि पूरी ऑटोमेटिक कार है। और ये गाइस ये टू डोर है बट फोर सीटर है, ये देखो पीछे की फोर टू सीट पीछे है एंड टू सीट आगे है, लेकिन बच्चे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इसका बैक का भी आप लोगों को दिखाते हैं कैसे जाते हैं। तो गाइस इसमें ये सीट के पीछे ये है खींचने का, इसको ऐसे कीजिए और सीट पीछे चला जाएगी ऑटोमेटिक। और ये है कुछ पीछे का स्पेस, तो कुछ ऐसा है स्पेस इसमें आपको, मतलब बच्चों के लिए बेटर है दो। और एक बार इसकी डिग्गी खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, अब ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगी अपने हिसाब से, आप खुद देख सकते हो पीछे जा रही है ये। और ये है पीछे की डिग्गी का, तो इसको प्रेस करेंगे, अनलॉक हो चुकी होगी शायद, देखते हैं। तो गाइस की नहीं है शायद, तो अनलॉक नहीं हो पा रही, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अनलॉक नहीं हो पा रही, तो गाइस कोई नहीं, तो ये कुछ था जो भी था। और अभी इसकी दिखा देता हूँ सीधा प्राइस। तो गाइस ये है पूरा इसका सिस्टम प्राइस का, तो मेन प्राइस ये है इसकी 6,43,000, और ये इंस्टॉलमेंट है जो फाइनेंस है। और इसका मैं आप ले लेना स्क्रीनशॉट, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेना। और इधर की तरफ ही है बड़ी, जो कि है X6, BMW X6 है ये M, और इसका भी कुछ देख लो आप, फ्रंट ऐसा है, इसमें फ्रंट में कैमरा मिल जाता है वही सेम है, बस ये 5 सीटर है। तो एक बार इसका भी इंटीरियर दिखा देता है आप लोगों को। तो गाइस अनलॉक की है गाड़ी, ओह गाइस अनलॉक करते ही पूरी लाइट ऑन हो जाती है,
तो कुछ इसका है ऐसा इंटीरियर, सेम है। और इसमें भी वही है, डोर का भी सेम सिस्टम है एंड थोड़ा डिफरेंट है इसमें। वो उसमें यूनिक था इसका गेयर बॉक्स, बाकी इसका अच्छा है वही सेम। स्टार स्टॉप बटन एंड पार्किंग एंड ये मोड्स चेंज करने के एंड एसी वेंट सेम है पूरा। और इधर ये आपको इधर पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, ये इंडिकेटर के टर्न इंडिकेटर एंड ये पूरी आपकी MID और इधर LED। और इसमें सनरूफ मिल जाती है आपको, एक अच्छी खासी पैरानूम सनरूफ जो कि लॉन्ग है काफ़ी। और ये कुछ इसकी बैक प्रोफाइल है गाइस, लाइट ऑफ है इसकी इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा मैं। तो कुछ ऐसी है इसकी, एक बार बैक सीट पे बैठ के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो गाइस कुछ ऐसी इस पर बैक सीट आप लोगों को देख सकते हो, आप लोगों को अंधेरा हो रहा तो गाइस कुछ दिख नहीं रहा। और एक बार आपको लाइट जला के दिखाते हैं। तो अब देखो गाइस, एक ये आपको वो मिल जाता है आमरस, इसको ऐसे लगा सकते हैं और इसको ये खींच के ये है आमरस बन गया। बाकी अच्छा खासा फीचर है, ये कैसे खुलता है गाइस, ये आमरस बन गया आप लोगों का, ये देख सकते हो आप। और इसमें भी लाइट है और इसमें भी, और ये पीछे आप लोगों को मिल जाती है LED जो कि इधर से ऑन करते हैं। तो इसमें सारा फ्यूचर है, इसमें ये मैप है सब, और इधर भी आपको LED मिल जाती है। और मेन जो है सनरूफ काफ़ी मस्त लग रही है इसका, और आप इधर से इंटीरियर देखिए अलग ही लेवल है इसका भी मस्त है। तो देखते हैं इसकी एक बार डिग्गी खुलती है क्या। तो गाइस ये आपको बहुत अच्छा इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, और ये इसको इधर से इधर लगाने का है, ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकता। और इसमें बैक में आपको 4 एग्जॉस्ट मिल जाते हैं ये है, और ये ऑटोमेटिक है, इस पर एक बार वन टच क्लिक करेंगे अपन तो ये बंद हो जाएगी, आप देख सकते हो सीधा। तो ये था कुछ इसका X6 का BMW का। तो गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी आप लोगों को तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और मुझे वीडियो कौन सी चाहिए, आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।